ये पखांजूर एक और इतिहास लिखता है, काहे के लिए बांग्लादेशी। छत्तीसगढ़ में दो जगह शरणार्थी है, एक का नाम तीन पत्ती, अरे गड़बड़ हो गया, एक का नाम क्या है पखांजूर, अब एक का नाम क्या है मेन पार्ट। तो आज ही बता देता हूँ, एक दिन और पढ़ाऊंगा मैं प्राकृतिक में, कब मेन पार्ट तब बताऊंगा तिब्बती लोग को, लेकिन मेरा आदत है ऐसा दोनों में कवर करते हुए। तो पखांजूर में बांग्लादेशी लोग हैं और आपका मेन पार्ट में कौन है तिब्बती, दोनों का इतिहास देख लो। 1962 में दलाई लामा के साथ जो लोग आ गए उनको बसाया गया कहाँ, मेन पार्ट में। तो इसको तिब्बती शरणार्थी बोलते हैं, तो तिब्बत के लोग कहाँ बोलेगा मेन पार्ट, 1962। उसके बाद 1971 हम बांग्लादेश के साथ युद्ध हो गई हमारा, अरे हम पाकिस्तान में किए थे बांग्लादेश को अलग करने के लिए, उस समय हमारी थी ना माननीय सम्मानित इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी पाकिस्तान में युद्ध सिर्फ इसलिए किए क्योंकि उसको ही डायरेक्ट बताए तो बांग्लादेश अलग करा से नहीं रोगा, नहीं करो ऐसे गिर हाथ ले फिर बमबारी चालू। तब पाकिस्तान में हमने युद्ध किया, तब जाके नया एक देश बना बांग्लादेश। अब ये बांग्लादेश को सरदार वल्लभ भाई पटेल 456 बार समझे तो अकल बुद्धि नहीं है। शुरू में जी 1947 पहले हमारे देश में रहो बोले ना बांग्लादेश को, पाकिस्तान जाऊँगी तो कतरा जावे के हों तुम्हारे छाती के ऊपर ले जाऊँगी, तेरे जा साले के दिन 47 और 71 बता दो 21 और कितना हो गया 4, 24 साल में अवकाश समझ में आ गया, पाँ परे वहाँ के इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी पैर छुए बांग्लादेश हमको बचा करके, तब हम पाकिस्तान में युद्ध किए तब नया देश बना कौन आपका बांग्लादेश। उसके बाद ये बांग्लादेश वाले बांग्लादेश में नहीं रहन की तो कहाँ रहे पखांजूर में, हमारे रहन दिखा तुम वाला चले आगे। तो बांग्लादेश वाले लोग इंदिरा गांधी के पास आ गए बोले हम बांग्लादेश में नहीं रहेंगे, हमको पाकिस्तान वाला मार देगा आगे क्योंकि हम लोग उसके सपोर्ट में थे। ऐसा तो कई हजार लोग भारत आए बांग्लादेशी लोग, उसके बाद टटोला गया कहाँ कहाँ के लोग सीधे साधे हैं, तो छत्तीसगढ़ी है तो सीधा साधा में नोबेल पुरस्कार पाए, तो वो जगह खाली था कहाँ पूरा जंगल का पखांजूर। तो पखांजूर में जितने लोग बसाए सब वो बांग्लादेशी है, ग्राम पंचायत 254, ग्राम पंचायत 354, हकास वाले ग्राम पंचायत है, नंबर वाइज गाँव है। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत 3 पत्ती, उनके यहाँ ग्राम पंचायत 240 ग्राम, मैं कहूँ 240 ग्राम पंचायत है या ग्राम पंचायत के, ग्राम पंचायत का नाम 240 है लो बताओ, यानी गांव का नाम नहीं है वो, ग्राम पंचायत का नाम क्या है 240, कौन गांव जाता है 240, ते कौन गांव जाता है 256, हारे ऐसा लाइन से बसाया गया है किनको आपका बांग्लादेश। थैंक यू जिसने भी बसाया, क्यों बताऊँ, क्योंकि आदिवासियों को ठीक से महुआ उगाना नहीं आता था। आज पखांजूर बेल्ट में जाओ मक्का की खेती देखे ना, बेबी कॉर्न इतने बड़े बड़े विदेश एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप बताओ हमको तो छोड़। आज बांग्लादेशी आ गए पखांजूर में, पूरा आदिवासी हलवा लोग 10-10, 20-20 एकड़ में क्या उगा रहे हैं मक्का, पूरा रिदम में ला दिए सबको। जो रात दिन दारू भी पड़ा रहता था हलवा जनजाति का, वो आदमी आज 3-3, 4-4 ट्रैक्टर लेके जीवन जी रहा है, किसके बदौलत बांग्लादेशी, क्योंकि बांग्लादेश के लोग एक नंबर काम करते हैं कृषि में। तो जरूरी ना सर, देखो आपके साथ एक गधा लड़का ले आ लफूट गिरी देखना तो और पढ़ाई कितना वीआईपी हो जाएगी। एक बाइक वाले ऐसे तुतवा वाला ऐसे झुके वाला जी कुकुर छाप, हाँ वो एक लड़का रख ले उसको, मैं सही बता रहा हूँ, वो आदमी के ना कपड़ा और बाइक से पता चल जाएगा ये किस टाइप सोचता है। वो ऐसे डिजाइन वाला एक लड़का रख ले, देख तो और पढ़ाई कितना टापो टाप जाते, वो साले दिन में 10 बार निकल ही हुआ घर ले, अब का कहीं चलो भाई ढोसा खाओ, अब भूख तो लगना चाहिए। तो एक शरीफ आदमी 10 दिन नहीं लगे बिगड़े में, किसके साथ, वो लफुटुरा के साथ। तो सर आपकी संगति, संगति इंपॉर्टेंट है, आपके साथ अगर यदि टापर आ गया 90% वाला और तुम 43% वाले हो, देखना तुम एक दिन 50-60 पार कर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ जो है वो दिन रात पढ़ने वाला है। तो वैसी टाइप का वो काम करने वाले थे, कौन बांग्लादेश के लोग मेहनत करने वाले थे। आज हमारे आदिवासी भाई बहन लोग क्या हो गए, रीडम आ गए, कई एकड़ 8-9 ट्रैक्टर है एक घर में, इसी कारण है चले। तो ये प्रश्न और डबल नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में ना अलग से शरणार्थी नहीं रहता, यही बताना पड़ता है। मेन पार्ट में बोलेगा तिब्बती और पखांजूर में कौन है बोलेगा बांग्लादेशी, खत्म।